तो जी गुड मॉर्निंग, जय राम जी की, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बज गए 5:15 और मैं नहा के आई हूँ अभी झाड़ू पोछा करने के बाद में। तो मैंने सोचा चलो सब्जी काट रही थी, तो सोचा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग शुरू कर देते हैं सुबह सुबह से। लड्डू को अभी नहीं उठाया, तो नहीं उठते थोड़ी देर में उठा कहते का नहीं, सुबह पहले उठा के बैठा देती है मेरे को। खुद को तो चैन नहीं है पर मेरे को भी नहीं लेने देती, ये सोच के मैंने कहा सोने देते हैं थोड़ी देर में उठा के फिर पूजा करेंगे। तो जब तक सब्जी में तड़का लगा दूं, सब्जी बनेगी आज गोभी की, इसको काट के बॉईल करना चढ़ाऊंगी, उसके बाद में आगे जो भी काम है वो करेंगे। जब तक आप क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। सब लोग सोए हैं, आज पानी चला के देखा, पानी अभी तक नहीं आया, पानी का यही झंझट है यहाँ पे। मन करता है तब तो छोड़ देते हैं, जब मन नहीं करता नहीं छोड़ते, पानी आता ही नहीं है। कल सुबह आ गया 4 बजे, आज नहीं आ रहा, पता नहीं उनको पता चल जाता है ये 4 बजे भर रहे हैं पानी लोग। थोड़ी देर में शर्मा जी उठेंगे, उनके अलार्म बोलेगी 5:30 बजे। उससे पहले अगर मैं जगाऊँ ना तो उनको लगता है कि 4 ही बजे हैं, ये अभी से ही मेरे को परेशान करने लग गए, इसलिए नहीं उठते। तो गोभी कट गई, अब इसको बॉईल करना चढ़ा दूँ मैं। मन तो था मेरा आज पराठे बनाने का, और आज हमारा दही है ना सारा, बिल्ली खा गई, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी, खिड़की खुली छोड़ने से दही को बिल्ली खा गई। तो जी यहाँ पर गोभी को बॉईल करने के लिए देखची के अंदर डाल दिया है, और इसमें ना नमक डालकर बॉईल कर देते हैं ना तो मन का जो वहम होता है ना कीड़े वाला वो ख़त्म हो जाता है। तो गोभी को देखकर ना एक अलग सी घिन सी आने लग गई थी मेरे को एक बार, लेकिन अब नहीं आती। अब मैं कि ये नमक डालकर बॉईल कर लेती हूँ, और 2 आलू ले लिए हैं तो इनको भी काट के साथ ही बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और ये ना तेल चढ़ा के खाली जीरा डाल के मैं थोड़ी देर इनको फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से ये वाली सब्ज़ी मेरी बनेगी, मतलब तड़का जो है ना वो सीधा जैसे अपन नॉर्मल और सब्जियों के लगाते हैं ना वैसे नहीं लगाऊंगी। और अभी काफ़ी अंधेरा है बाहर, देखो खिड़की में से। तो जी टाइम लैप्स पर कर दिया है कैमरा सेट, क्योंकि काम करना है फटाफट फटाफट, बहुत सारा काम है, बच्चे उठेंगे ना तब तक मुझे ज़्यादातर काम को समेट लेना है अपने को। और ये पता है सुबह जल्दी उठ करके अपनी रूटीन शुरू करने से ना मन को ये सुकून तो मिलता है कि मेरा सारा काम टाइम पर हुआ, और मैं मोबाइल के हाथ नहीं लगाती। सबसे अच्छा और बेस्ट जो तरीका है ना जल्दी उठने का मैं आपको बताती हूँ आज। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी उठना शुरू करें अपनी लाइफ में, अगर टाइम से उठ जाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं, अपने जो काम अपन रोज़ पेंडिंग में छोड़ देते हैं वो काम निपटा सकते हैं, और घर की देख रेख भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट जो है वो है सुबह उठने के बाद में मोबाइल को अपने से बहुत दूर रख दो, या तो चार्ज में लगाना है तो चार्ज में लगाओ, नहीं बहुत दूर रखो मोबाइल को, तो हाथ ही मत लगाओ, क्योंकि एक बार अगर मोबाइल हाथ में आ गया ना तो 15 से 20 मिनट लेकर ही जाएगा। तो जितना हो सके मोबाइल को अपने से दूर रखें। और एक कमेंट आ रहा था, दीदी आप चाय नहीं पीते क्या? तो देखो मैं कभी पी लेती हूँ कभी नहीं पीती, अभी पीनी शुरू हुई है, वो भी जब मैं ससुराल गई थी ना तो माँ बीमार थी उस टाइम पे, तो वहाँ मैंने थोड़ा बहुत पिया, तो उसके बाद में मैं यहाँ आने के बाद में सुबह जब उठती हूँ ना तो कभी कभी बना लेती हूँ। और कभी मेरा मन एकदम ये होता है ना कि नहीं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, अभी तो चाय पियेंगे तो 10 मिनट और वेस्ट होंगे, तो मैं नहीं भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्जी में तड़का लग चुका है, और साइड में गोभी भी बॉईल हो चुकी थी, और मैंने दलिया रख दिया है। सुबह अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दूंगी दूध दलिए का, उसमें खांड डाल के, और बच्चे भी नाश्ते में दलिया खाकर चले जाएंगे। इधर मेरा आटा लग गया था, ये सब्जी मेरी तड़का लग चुका है। तो अब आप सोच सकते हो काम बचा ही क्या है किचन का, अब बच्चों के टिफ़िन की रोटियां सेकनी है, बस वो मैं सेकूंगी बाद में, बाद में मतलब जब लोग नहा धो के तैयार हो जाएंगे और वो नाश्ता कर रहे होंगे उस टाइम पर मैं फ्री रहूँगी। तो अभी आ चुकी हूँ अपनी पूजा करने के लिए। इसके बीच में मैं बाहर जा कर के एक बार मशीन चला कर के, मशीन नहीं मतलब ये पानी की मोटर चला करके मैं देख के आ चुकी हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने जगा दिया है, बिठा दिया है,
अब उसके बाद में दो चार काम अपने इधर उधर के करूँगी। लड्डू गोपाल जी के लिए पानी भी थोड़ा गुनगुना करना है और मंदिर के भी कुछ काम है, जैसे साफ़ सफाई का थोड़ा सा पोछना झाड़ना, वो काम करूँगी। तब तक लड्डू गोपाल जी की नींद अच्छे से खुल जाएगी, वो अपने जो होता है ना कि नींद को एकदम थोड़ा सा त्याग देंगे, फिर नहला दूँगी। तो ये टाइम लैप्स में चला था ना, तो आपको पता नहीं चला होगा। वैसे इसमें कम से कम 20 मिनट हो चुके होंगे मुझे इनको बिठाए हुए। तो अब यहाँ पर मैं बत्ती जला रही हूँ। पूजा पाठ में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं मंदिर जो है ना उसको एक कॉटन रखी हुई है मैंने, उससे अच्छे से पोंछ देती हूँ। और उसके बाद में मैं बत्ती जला लेती हूँ, और बत्ती जलाने के बाद में फिर मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको नहलाना शुरू कर लिया है, और आज मैंने गुनगुना पानी लिया था क्योंकि ठंड होती है यार, सुबह सुबह जब नहाते हैं ना, तो मैं तो ठंडे से नहाती हूँ लेकिन बच्चे दोनों गर्म पानी से नहाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ इनको भी ठंड लगती होगी, तो इनको मैं ठंडे पानी से ना नहला करके ना गुनगुने पानी से नहलाऊँ ताकि इनको ठंड ना लगे। तो अब लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, और नहला धुला के उनका श्रृंगार कर दिया है। और उनका श्रृंगार करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि उनको रेडी करना, जब शिवांश और नैनी छोटे थे ना तो नहला धुला के जब मैं इनको तैयार करती थी ना, जो सुकून मिलता था काज, और ये मेरा लास्ट काम होता था, मतलब सारे काम समेटने के बाद में मैं इनको तैयार करती थी। और यहाँ पर भी मेरा सारा काम हो चुका ना, फिर मैंने इनको तैयार किया है ताकि मैं सुकून के साथ इनका मेकअप कर सकूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाकी की पूजा, लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद में बाकी जो देवताएँ हैं ना, जितने भी देवी देवता हैं उन सब की पूजा। तो उसमें मैं करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में पहले मैं, जैसे ये होता है ना हरे रामा राम राम हरे हरे, ये मैं भजन जो है ना ये गाती रहती हूँ क्योंकि बाकी भजन मुझे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोरपंख से अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप कर दिया है, उनके लिए भोग स्वरूप मैंने काजू जो है ना काजू मंगवाए थे कल, वो मैंने रख दिए। वो मैंने इसीलिए मंगवाए थे कि जब मेरे पास कुछ ना हो बनाया हुआ सुबह सुबह जल्दी तो मैं काजू दे सकूँ, तो वो मैंने दे दिए थे। और माखन मिश्री भी दे सकते हैं अपन। तो जी पूजा पाठ हो गया है, और मेरे लड्डू के दर्शन करवाओ। ये देखो ये बैठे स्माइल कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्णा राधे राधे, सब लोग राधे राधे करके जाना भाई लड्डू गोपाल को, राधे राधे। और ये मैचिंग मैचिंग मुकुट कैसा लग रहा है, आज मैंने मैचिंग मैचिंग पहना है, आज मेरे कन्हैया की छठी है तो मैंने इनको मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनाए पूरे, आज इनकी छठी है। देखो कैसे लग रहे हैं, शमान बसोरन, पता है इनके साथ ना एक अलग ही खुशी रहती है। ओह झूले, अब मैं मेरा काम कर लूं, झूली झूली कर ले। राधे 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 कृष्ण लड्डू गोपाला, शुगला शुगला लोगन बात मत करिए, लड्डू तुसी चंगे हो, लड्डू बात मत करिए, ये नया दोएड़ा को नहीं, शुगला शुगला ही सुबेर लेट उठी पे ना ही बना लेट ताई नाराज हो जान सी। राधिका गोरी से धीरज की इच्छाई से मैया करा दे मोर ब्याव। सो जा रे सो जा रे सो जा, उठिए बनाई है सो ले। रामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई उजड़ में। उठ जाओ रे बच्चो, स्कूल जाना है बेटा। और मेरा चांद देखो चंदा उठ गया, छोटा सा फिर भी उठ गया वो, और दोनों के दोनों बड़े हो से फिर भी नहीं, अभी तक सोए हुए हो। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई हो।
यानी शिवांश उठो बेटा पानी गर्म हो, शड़ा देख चिम पानी गर्म हो, वो बंद करियो, खड़ा हो दोनों स्कूल जाना है। तो जी मैं बच्चों को जगाती हूँ सही 6:05-7 होते हैं ना जब, तो समझ लो 10 होते होंगे, 7 होते होंगे ना उस टाइम पे। तो यहाँ पर आई थी, लाइट जलाई, बिस्तर समेटे, वैसे नहीं जगाती हूँ मैं पकड़ पकड़ के उठाना, वैसे नहीं, बस मैं बिस्तर समेटती हूँ ना इतनी देर में अपने आप उठ जाते हैं। बीच में जाके दूध गर्म रख के आई हूँ क्योंकि ये उठेंगे तब तक दूध गर्म हो जाएगा। तो अब मैं ये बाकी जो सामान इधर उधर फैला रहता है ना उसको समेट देती हूँ। वैसे रात को मोस्टली करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, ये करने के बाद में ये सामान संभालने अच्छे से सेट करने के बाद में फिर से कर जाते हैं, क्योंकि मैं इनके सुलाने के टाइम पे मैं इनके पास सोती हूँ तो फिर तब जाके ये सोते हैं, उससे पहले इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक दूसरे को बस ये है कि समझा रही हूँ कि उठ जा रहे, कभी इसको समझा रही हूँ कभी उसको समझा रही हूँ, लेकिन वो इधर से उठ करके उधर सो गया। मैं ये बेडशीट सही करने लगी, मैंने सोचा थोड़ी नींद खुलेगी अपने आप उठ कर बाहर चला जाएगा, वैसे चला जाता है ये। अभी मैं रूम में झाड़ू लगा कर ले आऊँगी ना, तब तक और इसकी नींद खुल जाएगी अच्छे से। तो ये दोनों उठ चुके थे, फिर उसके बाद में मैं इनको नहला कर ले आई हूँ, शिवांश को रेडी कर दिया है। अब नैनी की चोटी बाकी है, ये कपड़े अपने आप पहन लेती है, बस नहला देती हूँ दोनों को एक साथ, एक ही बाल्टी में गर्म पानी कर लेती हूँ तो एक साथ नहला देती हूँ तो उतने पानी में काम चल जाता है। नहीं अगर मैं खुद ना नहलाऊँ ना तो इनको डबल चाहिए पानी उससे। और यहाँ पर आ चुकी हैं बाहर, बाहर आके अब ये मेरे को ये जो मैट है ना ये बिछानी है, इसी के ऊपर बैठ कर दोनों बच्चे अपना अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और नैनी को आई कार्ड मिल चुका है, शिवांश को नहीं मिला इस सेशन का, तो काफ़ी ज़िद भी कर रहा था उस वाले को देख कर के, मुझे नहीं मिला मम्मी मैं क्या करूं। और यहाँ पर ले आए हैं दोनों मोबाइल, और यहाँ पे पता है इसके पापा कितना भी मना करें लेकिन ये अपने पापा का मोबाइल छोड़ते नहीं हैं, ठीक है मेरे वाला नहीं लेते क्योंकि मैं डांट देती हूँ, मैं नहीं देती मेरा फ़ोन बिल्कुल भी। तो यहाँ पर दलिया जो है ना वो बन गया था, तो दलिया में मैं आज क्या किया, मैंने दूध डाल दिया, मैंने लड्डू को भोग लगाया था दूध दलिए का, तो मैंने इस वाले में भी, शिवांश वाले में और नैनी वाले में भी दोनों में दूध डाल दिया। और इनको दूध का दलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसी के नखरे चल रहे हैं बस नहीं खाना नहीं खाना। लास्ट में मैं बैठी दोनों के पास में और अपने हाथों से खिलाया ज़बरदस्ती, तब जाकर इन्होंने खाया। और ज़बरदस्ती भी कैसे खिलाया, पास में रखा हुआ जूता देख रहे होंगे, मैंने शर्मा जी को बोला, मैंने कहा जूता रख के जाओ मेरे पास, तो इनको थोड़ा डर रहा, वैसे मारूंगी नहीं मैं जूते से, बस इनको डर है कि कहीं मम्मी जूते से पिटाई ना कर दे, तो उस डर के कारण ना दोनों ने आराम से खा लिया था। लास्ट में थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, आप देख रहे होंगे नैनी का तरीका। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो जी ये देखो बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, रेडी हैं मतलब जा ही चुके हैं समझ लो, अब तो बाइक पे बैठना बाकी, आगे नहीं पीछे बैठ, बैग उतार, टिफिन बोतल दोनों डाल ली ना, कितना बहुत सहना ऑर्डर ऑर्डर बाल कहाँ गए हैं, फिर बोतल यहीं बोतल घाल लिया, जल्दी बैठना, नहीं रुक जा एक बार, रुक जा सियांस पीछे आगे बैठे हुआ, आज तो ठाड़ जी क्या शांति मिली बाबू, अब खुद शांति को ना विमल विमला मिली बाय।